19वें एशियाई खेलों में टेनिस के मिश्रित युगल में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने स्वर्ण पदक जीता। रोहन ऋतुजा की जोड़ी ने फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने इस मुकाबले को 2-6, 6-3, 10-4 से अपने नाम किया। तो भारत के लिए एशियन गेम्स में शनिवार का दिन बेहद खास रहा। टेनिस के मिश्रित युगल वर्ग में रोहन बोपन्ना ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारत की स्वर्णिम कामयाबी पर ऋतुजा भोसले से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। भारत को भले ही पुरुष युगल में गोल्ड मेडल हासिल ना हुआ हो, लेकिन इस कामयाबी को बदल कर रख दिया है मिक्स डबल्स में, यानी कि मिक्स डबल्स में भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इस वक्त हमारे साथ हैं ऋतुजा भोसले। ऋतुजा, हमने पूरा मैच देखा किस तरह से एक टफ रहा आपके लिए। एक पहला सेट आप लोगों ने गवाया, लेकिन दूसरे सेट में जबरदस्त रूप से कम बैक किया। इसको पूरे जो एक पूरा मैच रहा, कैसे देखती हैं इसको? मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब हम कोर्ट पे बाहर आए और पूरे चाइनीज टाइपे के क्राउड को देखा, लाइक वी न्यू कि इज द क्राउड इज गोइंग टू बी अगेंस्ट अस। ऑब्वियसली ये मैच जब स्टार्ट हुआ तब आई वाज अ लिटिल नर्वस, थोड़े से इजी वॉली मिस हो गए मुझसे, बट रोहन वाज देयर ऑल द टाइम, यू नो, जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे बहुत इंकरेज कर रहे हैं, बिकॉज ही इज डन दिस फॉर सो लॉन्ग, एंड जस्ट द फैक्ट दैट मुझे उनके साथ खेलने का अपॉर्चुनिटी मिला है। बट इन द सेकेंड सेट ही मेड अ डिसीजन कि साइड चेंज करेंगे, एंड इट चेंज, लाइक यू नो, जो ओपोनेंट्स को थोड़ा सा थिंक करने को लगा, एंड द कॉन्फिडेंस केम बैक इन टू मी एंड आई स्टार्टेड स्विंगिंग फ्रीली, एंड देन दैट हेल्प्ड एंड दैट क्लियरली शोड। पूरे टूर्नामेंट में किस तरह से देखते हैं अपने पूरे कैंपेन को, क्यों हालांकि गोल्ड मेडल आया, लेकिन फिर भी क्योंकि रोहन के साथ आप लोग बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन अब इस एक मंच पर एक साथ आए खेला, तो पूरा एक जो कैंपेन है अगर इसको याद करके जाएंगे तो किस तरह से एक मेमोरी है आपके? इट्स गोइंग टू बी अ मेमोरी जो मैं हमेशा के लिए चेरिश करूंगी, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते नहीं है, एंड यू नो द फैक्ट उन्होंने मुझे चूज किया खेलने के लिए, यू नो उन्होंने बोला कि मेरा गेम अग्रेसिव है, मैं उनके कॉम्प्लीमेंट करती हूँ गेम स्टाइल को, विच इज ग्रेट, एंड यू नो इट्स समथिंग आई एम गोना चेरिश फॉरएवर। यहाँ से अगला क्या है आपके लिए? अगला तो पहले घर जाना है और उसके बाद टूर्नामेंट्स अमेरिका में है, वहाँ पे जाऊँगा। ऋतुजा, जिस तरह से आप, हमने देखा था कि आप नेशनल गेम्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, और अब जिस तरह से घर में, मतलब यानी कि भारत में खुद टेनिस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता है, और कहना चाहिए कि जमीनी स्तर पर काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो टॉप स्कीम के जरिए हो, चाहे वो खेलो इंडिया के जरिए हो, उस एक एफर्ट को किस तरह से देख? जितना सपोर्ट मिले उतना कम है, बिकॉज टेनिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई जस्ट हैव मिस्टर पुनीत बालन जो लास्ट और मेरे लिए खड़े रहे, एंड उसके बाद से ही मेरा रैंकिंग एंड एवरीथिंग हैज गॉन अप। सो या डेफिनेटली आई वुड वांट द गवर्नमेंट टू हेल्प मी अ लिटिल बिट मोर, एंड मेरा सिंगल्स और डबल्स रैंकिंग विल गो अप। चलिए, अभिनंदन की बहुत शुक्रिया। तो ये हैं ऋतुजा भोसले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जमीनी स्तर पर जो सुविधाएं मिली हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी मान रही हैं कि अब यहाँ की जो जीत है वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी, जो आगे आने वाले टूर्नामेंट में उनके लिए लाभकारी होगी। हांगजू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए।